Salam. ये कार्य करता है, इन लोगों भी तो मालूम होना था भाई, वर्कर है ये हमारे, ये सब कांग्रेस के वर्कर हैं, उनको भी तो मालूम होना। इकड़े मीटिंग लो ना सारी कड़ा, फिर उसका नंदु सोहेल भाई उन्नाडो, अंदर उन्नारो कैंडिडेट सिलेक्ट है बैठ सर। हाँ, अस्कर है ना उन्नाडो, बेग साहब ने सीनियर आज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन के ताल्लुक से शेरियार साहब के घर पे कांग्रेस के सीनियर लीडर्स याखुदपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी, चारमीनार कॉन्स्टिट्यूएंसी, डबलपुरे से कांग्रेस का उम्मीदवार चुनना था और ये टाइम कांग्रेस पार्टी गांधी भवन में बैठ के कैंडिडेट फाइनल नहीं कर रही। कांग्रेस पार्टी हर एक एरिया में जा रही और वहाँ के कांग्रेस के सीनियर जूनियर महिला कांग्रेस और वहाँ की आवाम से पूछ रही कि सबसे अच्छा कैंडिडेट कौन है और कार्यकर्ता और लीडर्स के हक में छोड़ रहे हैं कि आप सबसे बेहतर कैंडिडेट को आप सेलेक्ट करिए। जब आप सबसे बेहतर कैंडिडेट जो आवाम की ज़मीनी हकीकत से जुड़ा हुआ है वो कैंडिडेट को जब आप सेलेक्ट करेंगे डेफिनेटली आवाम इलेक्ट करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी आवाम के डोरस्टेप तक आ गई और हमारा ये मानना है कि जो भी नेता होता वो नौकर होता और जो आवाम है वो मालिक है। तो नौकर का काम है मालिक तक आना और हमारे पूरे सीनियरों की एक ही सोच थी और वो सोच ये थी कि सबसे बेहतर कैंडिडेट मिर्जा असकर अली बेग, उनके वालिद साहब मिर्जा मुस्तफा अली बेग साहब 45 साल से कांग्रेस में है और हर वक्त कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। तो हम सब की एक ही चॉइस है अस्कर, जिसका उर्फ शेरू। शुक्रिया, जय हिंद, जय कांग्रेस, अल्लाह हाफिज। वालेकुम, मैं कांग्रेस की तरफ से ये कहता हूँ कि हम लोग बहुत अच्छे आदमी को चुन चुके हैं जो असकर अली बेग है, जो कि मुस्तफ़ा अली बेग के फर्जंद हैं और मुस्तफ़ा अली बेग साहब जो है एक अरसे दराज से कांग्रेस में हैं जो मोर देन 45 ईयर्स हो गए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आवाम को ये शऊर पैदा हो जाए कि हम कांग्रेस को वोट दे और कांग्रेस के उम्मीदवार को चुनकर एक नया मोड़ लेके आए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।